जब से रिलायंस जियो का 4G नेटवर्क लॉन्च हुआ था और इसके 31 दिसंबर तक फ्री ऑफर के बारे में लोगों को पता चला था, तब से तहलका मचा हुआ है। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के तो मार्केट से शेयर तक डाउन हो गए। रिलायंस जियो प्रीव्यू ऑफर ओनली 4G मोबाइल फोन्स के लिए ही अवेलेबल है, पर सभी के पास 4G मोबाइल फोन्स है नहीं। जिनके पास ओल्ड एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स है, वो लोग अपनी 3G फोन में रिलायंस जियो 4G सिम का यूज कैसे करें? आइए जानें कि 3G फोन को 4G कैसे बनाएं, जिससे कि 4G सिम को 3G फोन में इजीली यूज किया जा सकता है। 4G सिम 3G मोबाइल फोन में चलाने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ट्रिक सभी मोबाइल में वर्क नहीं करती है और इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका फोन रूटेड होना चाहिए और उसमें किटकैट एंड्रॉयड वर्जन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि रूटेड फोन माने क्या। जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी ऐड करती है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगर आपका फोन रूटेड है तो आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सेटिंग्स बदल सकते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो अगर आपके फोन को रूट करते हैं तो सारी लिमिटेशंस जो कंपनी लगाती है वो निकल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप 3G फोन में 4G सिम कैसे यूज कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका फोन रूटेड होना चाहिए। अगर आपका फोन रूटेड है तो आप गूगल प्ले स्टोर से MTK इंजीनियरिंग ऐप डाउनलोड कर लो। बस 200 KB का ही है ये एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 2, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसको ओपन करें और MTK ऐप की सेटिंग में जाए। इसमें आपको प्रेफर्ड नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाए। स्टेप नंबर 3, प्रेफर्ड नेटवर्क में जाने पर उसमें आपको 4G LTE/WCDMA/GSM के ऑप्शंस मिलेंगे, उसको सिलेक्ट करें और सेव कर दें। स्टेप नंबर 4, अब फोन को स्विच ऑफ करें और उसमें एक्टिवेटेड जियो सिम को सिम फर्स्ट स्लॉट में इंसर्ट करें और सेकंड स्लॉट एम्प्टी ही रहने दें, इसमें कोई भी सिम कार्ड न डालें। स्टेप नंबर 5, अब आप अपने फ़ोन को स्विच ऑन करें। आप देख सकते हैं कि आपके 3G फ़ोन पर जियो 4G का नेटवर्क आ रहा है। इस वीडियो में बताए गए कुछ ही सिंपल स्टेप से आप बहुत ही आसानी से 3G फोन में 4G सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।